एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लिख रही हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी पोहा का नाश्ता। पोहा का नाश्ता हम इतने इजी तरीके से बनाएंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये रेसिपी भी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और इतनी जल्दी झटपट से नाश्ता बन जाएगा कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इतना क्रिस्पी टेस्टी और चटपटा और सुपर सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार होगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है और झटपट से अगर सुबह जल्दी में कुछ बनाना हो तो झटपट से आप इसे जल्दी जल्दी से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनकर रेडी होगा, वो भी पोहा से। ये देखिए मैंने पोहा लिया है, पोहा को अब मिक्सर में डाल देंगे और इसको फाइन पाउडर की तरह बना लेंगे, पीस लेंगे इसे। अब इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे और पीसने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बारीक पीसना है। बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, ग्राइंडर में डाल रही हूँ, ग्राइंडर में डालकर इसको फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है, इसे बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम दही डालेंगे तो दही डाल के इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे वापस से मिक्सर में। आप मिक्सर में ना डाल के आप बाहर भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैं मिक्सर में डालकर इसे थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये काफ़ी थिक है तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और भी इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। इस मिक्सर में हम ऐड करेंगे सूजी, थोड़ी सी सूजी लिया आप अंदाजे से ले लीजिएगा, जितनी आपको जिस हिसाब से बनाना हो इस हिसाब से आप सूजी ऐड कर सकते हैं। सूजी डालने के बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, एक चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पतला बैटर बना लेंगे। या दही डालना है तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बिल्कुल चीला टाइप, जैसे हम चीला बनाते हैं उसी टाइप का हमें मिक्सचर बनाना है। ये काफ़ी थिक है, अभी इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा और पतला कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल देने से ये फूल जाएगा और जो हम नाश्ता बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगा और क्रिस्पी बनेगा, मतलब ऐसे सॉफ्ट बनेगा। अभी ये थिक है तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो पानी ऐड करके इसको पतला कर लेंगे। ये देखिए इतना पतला कर लेंगे, थोड़ा मुझे थिक लगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर में मैंने चला लिया है और पतला कर लिया है। पतला हमें इतना करना है, बिल्कुल जैसे चीला वगैरह बनाते हैं उतना पतला इसे कर लेंगे और जितना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। और मैंने इसे मिक्सर में थोड़ा सा चला लिया था तो ये थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा बारीक सा पीस भी गया है और मुझे मिक्सर ज़्यादा लगा तो मैंने निकाल दिया है थोड़ा सा। तो अब इसका हम चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे, तो छोटे छोटे से चीले बना लेंगे हम इसके। तो एक पैन लिया मैंने, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा बैटर डाल देंगे, बैटर डाल के इसे छोड़ देंगे, बिल्कुल भी फैलाएंगे नहीं। इसका जो बैटर है वो बिल्कुल हमें पतला बनाना है, तो आप पतला भी रख सकते हैं, थिक भी रख सकते हैं। बहुत ही इजी से सूजी और पोहा का नाश्ता बनकर रेडी होगा, बहुत ही जल्दी बनता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और जब ये अच्छे से ऊपर से बिल्कुल ड्राई सा लगने लगे और फिर जब इसे हम टच करेंगे और पलट देंगे और इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे, इसे सेक चुका है, अब इसे पलट देंगे इस तरह से, इस तरह से दोनों तरफ से अलट पलट कर इसे अच्छे से सेक लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे, जितना भी हमने मिक्सचर है सभी इस तरह से बना लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पैन में, थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद जो बैटर है वो फैला देंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पैन में और इसी तरह से थोड़ा सा बैटर इस तरह से फैला देंगे और इसी तरह से हम सभी बना लेंगे। जो इस तरह से हम छोटे छोटे पैनकेक भी कह सकते हैं, आप इसे चीला भी कह सकते हैं। सूजी और पोहा से इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा, टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी है और बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और झटपट से छोटी मोटी भूख हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, सुबह की ब्रेकफास्ट में भी आप इसे बना सकते हैं, इवनिंग में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता बन सकता है, इसे आप दही के साथ भी खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे अचार के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इस पे साइडों में लगा देंगे और फिर से इसे पलट देंगे, पलटने के बाद दोनों तरफ से इसे सेक लेंगे। ये देखिए अब मैं इसे पलट रही हूँ,
तो पतला या मोटा आप इसे बना सकते हैं। आप पतला रखना चाहते हैं तो पतले पतले भी बना सकते हैं, थिक रखना चाहते हैं तो थिक भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए उस मिक्सर से मैंने सभी बना लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटा सूजी पोहा का नाश्ता बनकर रेडी हो गया। बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, बिल्कुल भी इसमें कोई आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही टेस्टी जल्दी चटपट से इतनी जल्दी में ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मेरे चैनल पर मेरी अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की रेसिपी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।